सच में अच्छे लग रहे हैं। हेलो एवरीवन, जय माता दी एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके प्यार आशीर्वाद और माता रानी की कृपा की वजह से हम भी बहुत 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 अच्छे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कभी हम लोग वैष्णो धाम पे थे और बैक टू बैक मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया है। प्रॉपर सारा ब्लॉग शेयर किया है, दिल्ली टू कटरा, कटरा टू बाणगंगा, बाणगंगा टू अर्धकुमारी, अर्धकुमारी टू वैष्णो देवी, सारा मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया। अगर आपने नहीं देखा ना तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर वैष्णो धाम से आने के बाद कन्या पूजन होता है और कन्या पूजन के लिए मैं अभी प्रसाद बना रही हूँ, जैसे कि अभी आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, हलवा और चना और पूड़ी। हलवा में मैंने थोड़ा सा कलर डाला है, फूड कलर ऑरेंज कलर का, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे कलरफुल रहता है ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और माता रानी का प्रसाद भी दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने हलवा में थोड़ा सा फूड कलर डाल लिया ऑरेंज कलर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ और मेरा हेल्प करवा रहे हैं मेरे हस्बैंड, इनकी छुट्टी है अभी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि वैष्णो देवी से आने के बाद इनकी कंटिन्यू छुट्टी चल रही थी अभी, और अभी और दिन भी छुट्टी है। तो मैं पूड़ी हमेशा कभी भी अकेली नहीं बना पाती हूँ, तो मैं जब भी पूड़ियाँ वगैरह तलती हूँ ना तो हस्बैंड ज़रूर हेल्प करते हैं मेरी, जैसे कि अभी वीडियो में आप देख ही रहे होंगे। तो पूड़ियाँ वगैरह निकालने के बाद हमने फिर भोग लगाया माता रानी को, जैसे कि अभी वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। पहले की जो पांच पूड़ियाँ उसको निकाल के मैंने अलग कर दिया था, ताकि उन्हीं पूड़ियों से मैं माता रानी की भोग लगाऊंगी। तो वैष्णो धाम से मैं वैष्णो देवी की एक तस्वीर लेकर आई हूँ, फ़ोटो लेकर आई हूँ, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे। तो उनकी मैं पूजा कर रही हूँ, और मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ किसी धाम पे, तो वहाँ से उनकी पूजा करने के लिए उनकी फ़ोटो लेकर आती हूँ। और जब फ़ोटो लेकर आती हूँ, फ़ोटो की लाइक गंगा जल से स्नान कराने के बाद माता रानी को, फिर तिलक लगा के प्रॉपर उनकी पूजा करती हूँ, और फ़ोटो के पीछे भी मैं स्वास्तिक वगैरह बनाती हूँ। और जिस डेट को मैं लेकर आई थी, मतलब जिस डेट को मैंने दर्शन किया था माता रानी का, उस डेट वो डेट भी मैं लिखती हूँ फ़ोटो के पीछे, ताकि हमेशा याद रहे कि इस डेट को मैं लेकर आई थी फ़ोटो, और इस डेट को ही मैं उनका दर्शन करने वहाँ पे गई थी, तो ताकि मैं कभी ना भूल पाऊँ इस चीज़ को। जब भी मैं फ़ोटो देखूँ मुझे याद आए तो मैं वो चीज़ भी पीछे लिखती हूँ फ़ोटो के। और यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद, जैसे कि अभी आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, तो इस सारा जो प्रसाद मैंने बनाया है उसका भोग लगाया, तो साथ ही मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगाया। पहले मैंने पूजा कर लिया था लड्डू गोपाल का, और भी जो भगवान है उन लोगों का, उनको भोग लगा दिया था। बट जब माता रानी का फिर से मैंने पूजा किया, भोग लगाया, तो वही सेम भोग भी मैंने और भगवान लोगों को भी लगाया। देन उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद आगे दरवाजे के आगे एक मैं बोर्ड लेकर आई थी, जो कि वुड का है, जिस पे लिखा हुआ है जय माता दी, और माता रानी का उस पे तस्वीर बनाया हुआ है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, जो मैंने अपने गेट दरवाजे के बाहर में लगाया है। और साथ ही मैंने वहाँ पे स्वास्तिक बनाया अपने दरवाजे पे, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे पूजा के बाद। तो मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी जाता है इतना सारा कुछ करता है, वो अपने मन और अपनी श्रद्धा के ऊपर है कि कौन क्या करता है, दैट्स इट। और ऐसा भी नहीं है कि आप घर पर कन्या खिलाओ, कन्या पूजन करो, आप चाहे तो मंदिर में भी जा कर के कन्या खिला सकते हैं, जैसे किसी मंदिर के बाहर, या फिर किसी मंदिर में आप दे सकते हैं लाइक आटा, सूजी और चना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे ही खिलाओ, बट मेरा श्रद्धा है, और ये सब मन की बातें और श्रद्धा की बातें होती हैं, कि अगर आप घर पे खिलाना चाहते हो तो खिला सकते हो। मेरा मन था, मेरी श्रद्धा भी थी कि मैं खिलाऊँ, तो इसलिए मैंने बस भोज रखा है, जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहोगे वीडियो में। तो ये है मेरे फ्रेंड्स, और ये जो आप लोग देख रहे, एक बबीता है वो अपनी बेबी को लेकर आई है, तो बेबी अभी खेल देते मेरी हेल्प में लग गए, और एक है विनीता, वो मेरी फ्रेंड की लड़की है, एज अ सिस्टर मैं उसे मानती हूँ। हेलो, अरे सच में अच्छे लग रहे हैं हम लोग, मतलब बिना बोले ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कितने अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। पीहू कहाँ से दो रुपए?
करने वाला ही हो ना? हाँ कर लेगा, पूजा में होगा। हो गया सबके, चलो माता रानी का नाम बोलो, जयकार शेरावाली का बोलो, सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा वीडियो का साउंड कम कर रखा है, और इसमें तो म्यूट ही कर दिया क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, और कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। मुझे ऐसे डर लग रहा है अंदर से कि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इसलिए कहीं कहीं मैंने भगा भगा के करा है। बस देखते हैं क्या होता है अब आगे, कॉपीराइट क्लेम आता है या नहीं आता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक आ गया तो आ ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो कन्या लोग अपना, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, खाना वाना खा रही हैं, इनकी सेवा में लगे हुए हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं खिलाया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि रेंट के या फिर आर्मी जो एयरफोर्स के जो क्वार्टर्स होते हैं उनमें नहीं खिलाना है, मुझे अपने घर में ही खिलाना था, तो इसके वजह से मैं नहीं खिलाई थी। बट माता रानी का चमत्कार देखो, उनको वो चाहती थी कि मैं खिलाऊं, और बस मैंने उनका दर्शन किया, हम लोग उनके दरबार पर गए, और आने के बाद तो मम्मी भी जब भी जाती है तो खिलाती है, तो मैंने उन्हीं से सीखा, उनको ही देखा है, और मैं खिला रही हूँ आज, जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे। और ये एक छोटी सी माता रानी है जो अभी देख ही रहे होंगे आप लोग, मतलब फ़ोन कंटिन्यू वो देख रही हैं, कंटिन्यू फ़ोन देख रही हैं, और जहाँ जहाँ मुड़ो ना वैसे वैसे उनकी मुंडी मुड़ रही है, मतलब जिधर भी साइड मुड़ो उधर साइड मुड़ रही है। सभी लोग को चाहिए, आपको नहीं चाहिए छोटी माता रानी? नेहल आपको चाहिए? चाहिए बेटा एक ले। अच्छा इसके पास हो गई पूरी है, इसको सबकी पूरियाँ खाली हो रही है। अभी ला रही हूँ। बैठो आप, इससे सब लोग हैंड वॉश कर रहे हैं, टावल में पूछ रहे, हैंड वॉश कर रहे हैं। अरे क्यूटी पाई, ये भी है, वो देखो सभी क्यूटी पाई हैं, सभी माता रानी हैं। चलो सब लोग का हो गया, अभी नहीं एक लड़की का। पीहू सबसे लेट आप चल रहे हो बेटा, परेशान हंस रही है क्यों? टीका मिट गया। ओहो फिर से लगा देंगे, खा लो जल्दी फिनिश करो बेटा। सो खाना वगैरह खा लिया कन्याओं ने, और यहाँ पर प्रसाद हमने रखा है, जिस इसमें प्रसाद है जो माता रानी के दरबार से हम लोग लेकर आए थे प्रसाद, वो प्रसाद है मेन प्रसाद जो वैष्णो देवी के हैं, दो में से वैष्णो देवी के फ़ोटो हैं, क्योंकि वो जो दो लोग हैं वो पता नहीं, मतलब लाइक मैं उनको नहीं जानती हूँ और वो दूर से आए हैं, बाकी जो लोग हैं मतलब जो बच्चियाँ हैं उनको मैंने घर पर भेजा है, और जिनको नहीं भेजा वो मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आपको अभी भेजूँगी। तो यहाँ पर दो लोग हैं को मतलब मैंने फोटो रखा है, उसको
जुग जुग जीवा तो थोड़ी देर में देंगे जीवे तेरा जमुए दराजा जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच माता रानी का फोटो है ठीक है अपनी मम्मा को बोला पूजा करेगी ठीक है ये वैष्णो देवी कहते हैं ना वहां से लेकर बोलो सोने मंदिरा वाली आरती जय माँ तो यहाँ पे हमारा कन्या पूजन समाप्त होता है और लास्ट में फ़ोटो तो बनता ही है क्लिक करना। तो यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाया, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर कर लेना, वहाँ पे आपको रील्स देखने को मिल जाएंगे और फेसबुक पर आपको पूरा टोटल फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर भी लास्ट में लगा दूँगी, कुछ वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए पूरे तो नहीं लगा पाऊँगी, बट हाँ आपको फेसबुक पर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आईडी कहीं मैं मेंशन कर दूँगी, आप ईजिली जा कर के और वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक हो गई कुछ, और कुछ विनीता ने किया है जो अभी खाना वगैरह में हेल्प कर रही थी, और उसके भी मैं फ़ोटोज़ वगैरह कहीं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे फोटोज़ क्लिक होने के बाद फिर हमने जयकारा बुलवाया, जयकारा शेर वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय, जय माता रानी। फाइनली सभी लोग सारी माताएं जो भी हमारे घर आई थी वो बहुत ही दिल खुश होकर के गई हैं और सभी ने बहुत ही अच्छे से खाना खाया। और मैंने आज पहना है साड़ी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है। एंड चूड़ा पहना है मैंने, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप सो आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।